सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर आ जाएंगे एंड टुडे वी आर प्लेइंग अगेन मैक अरिना। एंड गाइस, हमारे गेम में एक न्यू क्रिएट रश आया है जिसमें हमको आर्क एंजल पायलट दिया जा रहा है। ओके, एंड वो भी क्रेडिट्स में, देख रहे हो? सीरियसली, स्टेडियम वाले इतने अच्छे कब से हो गए? बट कोई ना, आज हमको इसको वही अनलॉक करना है किसी भी तरह, चाहे जितने क्रेडिट्स लग जाए। मेरे पास देखो 5 लाख क्रेडिट्स है, तो यार मेरे को अब वेट नहीं हो रहा, फटाफट स्पिन मारना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्पिन पे टाइप कर दिया है। ओके, जितना जल्दी हो सके इसको निकालते हैं। ठीक है, तो बगल में था यार। ओके, ब्लूप्रिंट्स मिले। कोई ना गाइस, मेरा जो लक है वो इतना तो अच्छा है नहीं कि फर्स्ट ही स्पिन में मिल जाए, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं। एंड अब सेकंड स्पिन की बारी, होप सो इस बार निकल जाए। ओके, वेट। अरे ये तो भाई आसपास कहीं भी नहीं है वो पायलट। ओके, सो सेकंड स्पिन में भी कुछ नहीं निकला। अब गाइस थर्ड स्पिन की बारी। ओके, होप करते गाइस इस बार कम से कम निकल जाए यार। इट इज सेकेंड, एंड भाई क्या दे रहे, थर्ड स्पिन भी अपना इम्प्लांट पार्ट्स दे रहे यार। पायलट चाहिए मेरे को। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और स्पिन कर दिया गाइस, देखते इस बार क्या मिलता है। एंड ये भाई, ये इधर रुक, वेट यार, आजू बाजू गाइस देख रहे हो, वो पायलट था लेकिन ये इधर रुक गया। कोई ना गाइस, एक और स्पिन, हार नहीं मानेंगे अपने। ओके, इस वाले में देखते क्या निकलता है। एंड रुक जा, इधर ही रुक, पीछे जा। एंड यस गाइस, हमारा यहाँ पे खुल चुका है लेजेंडरी पायलट आर्क एंजल। एंड भाई क्या ही तो लग रहा है, बैडेस लग रहा है कतई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं फटाफट से, एंड देख सकते हो। अरे भाई स्क्रीनशॉट ले। ओके, तो चलो यहाँ पे हमारा ये पायलट खुल चुका है, एंड देख सकते हो भाई लेजेंडरी पायलट है ये। एंड अभी चलते फटाफट से गाइस, इसको एक्यूब करते, मेरे को वेट नहीं हो रहा। एंड ये भाई जो लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं ना गाइस, उनकी पावर बढ़ाता है, ठीक है, स्नाइपर टाइप वेपन्स की। एंड इसको मैंने इक्विप कर दिया है। एंड देखो, पैंथर की एक ही वीकनेस थी कि मेरे पास कोई अच्छा पायलट नहीं था उसके लिए, बट फाइनली हमको एक मिल चुका है। एंड रुक जाओ, मेरे को इसके पुराने वाले पायलट में से इसमें जो मैंने इम्प्लांट्स लगाए थे ना, उनको अनइक्विप करने दो, रिमूव करने दो ओके, मैं एकॉइंट्स तो यूज़ नहीं करूँगा, ऐसे ही रिमूव कर देता हूँ। तो चलो गाइस, अब ना अपना जो आर्क एंजल है ना, उस पर फटाफट से इम्प्लांट्स इक्विप करते। आई डोंट नो मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट कोई ना, अभी तो भाई एक्साइटमेंट बहुत है। सो पहले तो मेरे पास पैंथर के दो अच्छे खासे इम्प्लांट्स है, जैसे कि ये देखो, ये बैरियर का हाइट बढ़ाता है पैंथर का। एंड दूसरा वाला नीचे ही कहीं होगा, ढूंढने दो वेट। ओके, सो दूसरे वाले को ढूंढते हैं गाइस अभी फटाफट से। एंड कहीं कहीं था यार, कहाँ गया, ये रहा गाइस। ये बैरियर का टाइम जो है ना गाइस, उसको इंक्रीज करता है। एंड अब रायल गन के दो कोई भी इम्प्लांट लगा देता हूँ। मेरे पास रायल गन के कोई अच्छे खासे इम्प्लांट्स तो नहीं है, बट पैंथर के एबिलिटी के अच्छे खासे दो इम्प्लांट्स है, ठीक है। तो रायल गन का कोई एपिक सा इम्प्लांट मिलने तक मेरे को रेयर वालों से काम चलाना पड़ेगा। ये देखो, ये रायल गन का डैमेज वाला है, एंड एक रिलोड वाला लगा देते हैं गाइस। ओके, नीचे चलते हैं। एंड ये देखो, ये रहा रायल गन रिलोड। ओके, सो चलो गाइस, यहाँ पे हमने आर्क एंजल में सारे इम्प्लांट्स इक्विप करके उसको पैंथर के ऊपर इक्विप कर दिया है। अब चलते हैं बैटल में, एंड आर्क एंजल को यूज़ करते हैं गाइस। ओके, सो गाइस, हमारा बैटल जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड देखो, पहले ही मैं बता दूँ, अभी आर्क एंजल जो अपना पायलट है ना, वो भाई एक रैंक का है, समझ रहे, मतलब बच्चा है भाई वो कतई, इसलिए उतना भी कुछ खास वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एंड अभी चलते इससे गेम प्ले करते। एंड गाइस, इन फ्यूचर अगर मैं इसको अपग्रेड करता हूँ, मैक्स करता हूँ ना इस पायलट को, तब उसका वीडियो ज़रूर से हमारे चैनल पर आ जाएगा। सो अभी कैप्चर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देखते हैं भाई कितने किल्स निकलते हैं इस वाले बैटल में। एंड ये मैप मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट फिर भी अब ये मैप दे दिए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो किल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैक है, वेट, मैं इस जगरनट को मारूंगा, एंड यही मौका है। सो चलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट किल। इधर एक और मैक है, वेट, थोड़ा वेट करिए गाइस, बाकियों को डैमेज देने दो, हम लास्ट में एकदम किल लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक जेफर को मारा, बट ये मरा ही नहीं भाई, क्या खा के आया भाई, 2 बुलेट्स में मरा नहीं गाइस, मेरे को 3 बुलेट्स यूज़ करने पड़े। बाय द वे, मैंने यहाँ पे दो और किल्स निकाल लिए। एंड इधर एक और मैक है, इसको भी मारेंगे, थोड़ा और डैमेज खा। एंड ये लो गाइस, भाई डबल रायल गन की बात ही कुछ और है, ठीक है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है इसको यूज़ करना। यहाँ पे देखो एक मैक है, कोई और मार गया यार उसको। ओके, कोई ना। ओके, यहाँ पे गाइस जस्ट हमको खड़े रहना है, जितने हो सके उतने किल्स निकालने। आप लोग गैस करो गाइस कि बैटल के ख़त्म होते होते मैं कितने किल्स निकाल लूँगा। इधर एक और मैक है, वेट, एंड चलो इसका भी खेल खत्म। एंड अनस्टॉपेबल कंप्लीट हो चुका है गाइस, फटाफट से गैस करो कितने किल्स हो जाएगी इस बैटल के फिनिश होते होते।
एंड इधर एक और मैक्स, एंड दो बुलेट्स मारने के बाद भी नहीं मरा भाई, क्या खा के आया था ये जेफर। ओके यहाँ पे एक चीता है, इसको तो मैं मार के रहूँगा। एंड चलो इस चीता का काम ख़त्म। ओके यहाँ पे एक और किल, एंड अब थोड़ा वेट करते हैं, बैरियर डाल देता हूँ एंड अब इसको मारेंगे। ओके सो चलो गाइस, यहाँ पे हमारा रैंपेज कंप्लीट हो चुका है, मतलब भाई देखते ही देखते हम गॉड लाइक की बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। वेट यहाँ पे एक और मैक है, एंड वेट वेट भाई मैं मर जाऊँ, बहुत ज़्यादा डैमेज मिल रहा है। ओके गॉड लाइक कंप्लीट, सही टाइम पे मैंने इस चीता को मार दिया, इधर बनना ये तो मेरे को मार ही देता, देख रहे हो 70,000 HP से भाई 20,000 पे आ गई एकदम। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से गाइज यहाँ पे खड़े रह गए अपने, ज़्यादा क्लोज नहीं जाएगी, यहाँ खड़े रह के आराम से किल करेगी जैसे अभी मैंने किया। ठीक है तो यहाँ पे जस्ट वेट करना है हमको, एंड वेट करो भाई थोड़ा बहुत और। ओके सो गाइज ये जो पायलट था ना, ये क्रेडिट्स में मिल रहा है, तो हर कोई बंदा जो है इसको ओपन कर सकता है। सो मैं तो भाई आप सभी को प्रेफर करूँगा भाई अनलॉक कर लो इसको, इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने दो किल्स कर लिए, तीन किल्स कर लिए, एंड इधर एक और मैच है वेट। ओके तीन किल कर लिए, अब थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि बैरियर का टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है ना। ओके वेट ठीक है, ये किल नहीं मिला, मैंने इसको एक मारा फिर भी नहीं मारा। वही सो चलो गाइस यहाँ पे एक और किल हमको मिल चुका है, एंड भाई कितने किल हो गए, मैं भाई इस मैक के बारे पायलट के बारे में बता रहा था एंड कितने किल हो गए मेरे को पता ही नहीं है मेरे। एंड नेमेसिस कंप्लीट हो चुका है। सो मैं कह रहा था गाइस ये पायलट भाई क्रेडिट्स में अनलॉक हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दो, अनलॉक करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाई 2-3 लाख क्रेडिट्स ही लगेंगे, या फिर आपका लक अच्छा रहा तो फर्स्ट या सेकेंड स्पिन में ही आपका निकल जाएगा। ओके वही जाने मत दो यार, एक तो इतने मुश्किल से प्लेडियम वालों ने एक लेजेंडरी पायलट को इतने इजीली दिया है इवेंट में। ओके बाय द वे यहाँ पे भाई ये बहुत टाइम हो गया, मतलब 20-30 सेकंड से मेरा एक भी किल ही नहीं निकला है। वेट इसको मारता हूँ, एंड ये लो भाई एक और नेमेसिस, एंड कितने किल हो गए थे मेरे, वेट मैं देख नहीं पाया। ओके सो गाइस हम लोग ये बैटल इसके विक्ट्री, एंड पैंथर हो चुका है MVP विथ ओवर 17 kills। तो भाई कॉमेंट में फटाफट से बताओ कौन सही था, किसने गेस किया था 17 kills का। एंड यही था हमारा आज का वीडियो, बट अभी भाई वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ ज़रूरी काम बाकी है यार। गाइस आप लोगों ने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड मैं जल्द से जल्द आर्क एंजल को लेवल अप करके मैक्स करने का ट्राई करूँगा, फिर उसका भी वीडियो आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।